सभी हॉरर कहानियाँ किसी न किसी जगह पर शुरू होती है, कभी किसी 100 साल पुराने पेड़ के पास तो कभी किसी जंगल के अंदर। पर सबसे ज्यादा रोंगटे वो खड़ी करती है जो किसी घर के अंदर हो। घर एक ऐसी जगह होती है जिसमें लोग अपने आप को सेफ मानते हैं, पर कभी कभी घर ही एक हॉरर स्टोरी में बदल जाती है। हॉन्टेड हाउस एक ऐसी घर होती है जहाँ पर उन लोगों की आत्माएं निवास करती है जो कि उस घर में पहले कभी रहता होगा या फिर उस घर से उसका कोई संबंध होगा। अकाल मृत्यु जब होती है तब किसी किसी आत्माओं की अंतिम इच्छा बाकी रहती है और इसलिए हमें घरों में अजीब चीजें देखने को मिलती है। इस दुनिया में 20 लाख से भी ज्यादा पॉपुलर हॉन्टेड घर मौजूद हैं, पर आज जिनके बारे में आप सुनोगे वो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। बस एक बार पूरी वीडियो देख लेना। आप डायन, चुड़ैल, भूत, प्रेत इन सब चीजों में मानते हो कि नहीं वो तो मैं नहीं जानता, पर इन केसेस को एक बार सुन लो और फिर अपने लिए डिसाइड कर लो। नंबर 5, रोज हॉल, मोंटेगो बे, जमैका। ये घर साल 1770 में बना था और इसमें जॉन पाल्मर और उनकी वाइफ एनी पाल्मर रहती थी। पर ये जो एनी पाल्मर थी यही इस कहानी की सबसे खतरनाक लेडी है। जॉन ने एनी से शादी तो किया था पर एनी का इतिहास जाने बिना। एनी का जन्म हैटी नाम के एक जगह पर हुआ था और जब ये सिर्फ 10 साल की थी तब इनके माता पिता दोनों टाइफॉइड बीमारी के चलते मारे गए थे। फिर उस लड़की को एक नैनी यानी एक दाई ने पाला पोसा और दाई ने उस लड़की को काला जादू और टोटके भी सिखाने लगी। कहानी में वापस आए तो जब एनी की शादी जॉन से हुई तब कुछ ही दिन बाद एनी ने जॉन को मार डाला और वो घर अपने नाम कर ली। उसके बाद वो 3 बार शादी की और तीनों पतियों को उसने मार डाला और पतियों के साथ साथ जितने नौकर उसके घर में काम करते थे सबकी वो बलि चढ़ा देती थी। पर एक बार एक नौकर के बेटे जिसके फादर एनी के घर काम करते थे और जिसे एनी ने मार डाला था, उस नौकर के बेटे ने बदला लेने के लिए एनी को मार डाला। ये माना जाता है कि एनी आज भी उस घर में भटकती है। वो व्हाइट विच यानी डायन के नाम से भी जानी जाती है और ये भी कहा जाता है कि जितने पतियों और नौकरों को बेरहमी से एनी ने काले जादू से मारा था वो सब आज भी इस घर को हॉन्ट करते हैं। 1965 में इस घर को एक म्यूजियम में बदल दिया गया और आज भी जो स्टाफ इस म्यूजियम में काम करते हैं सब रात के समय पैरानॉर्मल चीजों को रिपोर्ट करते हैं, जैसे गेट अपने आप बंद हो जाना और इंसानों की ऐसी चीखें सुनाई देती है मानो किसी को मारा जा रहा हो और ये आवाजें रात के समय पूरे बिल्डिंग में गूंजती है। नंबर 4, द वेली हाउस, कैलिफोर्निया। 1856 में एक बिजनेसमैन जिनका नाम था थॉमस वैली और उनकी वाइफ एना वैली, उन्होंने अपने लिए एक खूबसूरत सा घर बनाया। पर उन लोगों को ये नहीं पता था कि जिस जगह पर वो अपना घर बना रहे हैं वो एक ग्रेव यार्ड था यानी एक कब्रिस्तान था। घर बनने के बाद ये लोग उसी घर में नॉर्मली रहना शुरू कर दिए, पर फिर पैरानॉर्मल घटनाएं शुरू हो गई। थॉमस की जो सबसे छोटी बेटी थी वो हमेशा ये कहती थी कि उसे किसी की चलने की आवाजें सुनाई देती थी। कुछ दिन बाद थॉमस का एक नया बेटा जन्म लिया, पर वो जब सिर्फ 18 महीने का था तब बदकिस्मती से उसकी मौत हो गई और 1885 में वायोलेट वैली जो उनकी बेटी थी उसने भी अपने आप को गोली मारकर आत्महत्या कर लिया। मतलब इस कब्रिस्तान पर बने इस घर पे इस फैमिली के साथ हमेशा बुरा ही हुआ और धीरे धीरे करके पूरी वैले फैमिली खत्म हो गई। धीरे धीरे सबकी मौत हो गई और आखिर में थॉमस वैले और उनकी वाइफ एना वैले की भी मौत हो गई और उसके बाद जो जो फैमिलीज इस घर में आती सबके साथ कुछ न कुछ बुरा हो जाता। अजीब पैरानॉर्मल रिपोर्ट्स के चलते जैसे जैसे समय बीतता गया वो घर एक हॉन्टेड घर के नाम से जाना जाने लगा। उसके बाद कोई उस घर में रहने की हिम्मत नहीं किया और आखिर में उसे एक म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया। पर आज के समय में भी कई लोगों का ये कहना है कि उस घर के मालिक थॉमस वैले को आज भी कई लोग देखते हैं। एक बहुत बड़े टीवी पर्सनालिटी और एक्टर जिनका नाम है रेगिस फिल्बिन, उन्होंने भी इस घर को विजिट किया था एडवेंचर के लिए क्योंकि ये आत्माओं को नहीं मानते थे। पर जब वो वापस आए तब वो शॉक में थे। उन्होंने ये कहा कि उन्होंने थॉमस वैली की वाइफ एना वैली को देखा, जिनकी कहानियां वो सुनते आ रहे थे उसे उन्होंने अपनी आंखों से देखा। उन्होंने कहा कि रात को अचानक से वो उनके सामने आ गई और थोड़ी देर बाद गायब भी हो गई। उन्होंने सीरियसली पब्लिक में ये कह डाला कि आज के बाद मैं उस घर के तरफ कभी देखूंगा भी नहीं। रेगिस ने ये कहा था कि ज्यादातर लोग इन चीजों में यकीन नहीं करते हैं क्योंकि उन्होंने कभी ऐसी चीजों को देखा ही नहीं, पर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उस घर में
में कुछ अजीब जरूर था। एक कॉमेडियन जिनका नाम है टॉम ग्रीन, वो भी इस घर में एक बार रात गुजारने के लिए गए थे ये देखने के लिए कि क्या होता है इस घर में। ये उस समय यूएस की सबसे हॉन्टेड हाउसेस में से एक था, इसलिए एडवेंचर और थ्रिल के लिए ये फेमस लोग उसमें जाते थे। टॉम ग्रीन ने ये कहा कि किसी बच्चे की चिल्लाने की आवाज उन्हें इस घर में सुनाई दे रही थी और बहुत डरावनी और अजीब आवाजें उस घर में गूंजती थी। उस समय जब वेले फैमिली जिंदा थी तब उनके पास एक डॉग था जिसका नाम था डॉली। तो आज के समय में जितने लोगों ने इस घर में विजिट किया है उनमें से कुछ लोगों ने एक डॉग को भी घूमते हुए देखा है जो रैंडमली अपीयर होता था और गायब भी हो जाता था। नंबर 3, बॉर्ली रेक्टोरी, इंग्लैंड। बॉर्ली रेक्टोरी को इंग्लैंड की सबसे हॉन्टेड हाउस भी माना जाता है। इस घर में आज तक बहुत सारे परिवार रह चुके हैं। सभी परिवारों ने कई रोंगटे खड़े कर देने वाली इंसिडेंट्स को रिपोर्ट किया है। इस घर में हर फैमिली को हंसते हुए बच्चों की आवाजें, गाते हुए और चिल्लाते हुए लोगों की आवाजें सुनाई देती आई है। बहुत सारे विजुअल्स यानी आंखों से देखे जाने वाले फिगर्स को भी इन्होंने देखा है और पावरफुल अदृश्य ताकतों को भी अनुभव किया है। और सबसे अजीब घटना है मैसेज ऑन द वॉल्स, मतलब इस घर के दीवार पर मैसेज लिखा हुआ मिलता है जैसे गो अवे मतलब चले जाओ या फिर लीव दिस हाउस यानी इस घर को छोड़ दो। ये घर सबसे पहले एक प्रीस्ट का हुआ करता था जो अपनी फैमिली के साथ रहता था। मतलब ये प्रीस्ट वाली फैमिली इस घर की सबसे पहली रेसिडेंट थी। इन्होंने ये रिपोर्ट किया कि पैरानॉर्मल घटनाओं की शुरुआत हुई फुटस्टेप्स यानी चलने की आवाजों से। मतलब जब ये रात को सो रहे होते थे तभी दूसरे रूम से ऐसी आवाजें आती थी जैसे मानो कोई चल रहा हो या दौड़ रहा हो। और इन्हें घर में बहुत सारे नन दिखाई देती थी जो कि दिखती थी और गायब हो जाती थी। इन्हीं घटनाओं के चलते उस फैमिली ने इस घर को छोड़ दिया, पर बाद में नए नए फैमिली आकर इस घर में रहने लगे जो कि आत्माओं पर यकीन नहीं करती थी, पर बाद में उन्हें भी ये घर छोड़ना पड़ा। और इन्हीं रिपोर्ट्स के चलते 1937 आते आते ये घर वैकेंट यानी खाली हो गया और एक हॉन्टेड जगह के नाम से प्रसिद्ध हो गया। उस समय एक बहुत फेमस पैरानॉर्मल रिसर्चर थे जिनका नाम था हैरी प्रिंस। वो बहुत दिनों से इस घर के रिसर्च में लगे हुए थे। तभी जब ये घर खाली हुआ तब इन्होंने इस घर में पूरे एक साल रहने का तय किया। इन्होंने ये तय किया कि एक साल तक ये इस घर में रहकर इसकी सच्चाई पता करेंगे और अपने अनुभव दुनिया के साथ शेयर करेंगे। इनके साथ भी बहुत डरावनी घटनाएं हुई। एक बार एक आत्मा इनके सपने में आकर इनको ये बताई कि ये घर राख में बदल जाएगा और एक नन जिसकी मौत हुई थी इस घर में उसके शरीर की एक पार्ट जमीन के अंदर से बाहर निकलेगी। ये सपना बहुत अजीब था और ज्यादा मतलब नहीं बना रहा था, पर ये डरावना था। और सच था कि नहीं ये तो हैरी को भी नहीं पता था। पूरे एक साल में सबसे ज्यादा अमेजमेंट और परेशानी इन्हें उस सपने से ही हुई। पर 1939 तक इस घर को कुछ नहीं हुआ और न ही किसी तरह का बॉडी पार्ट पाया गया। क्योंकि दो साल बीत गए थे और घर को कुछ नहीं हुआ था, इसलिए उस सपने को एक बिना मतलब वाला सपना मानकर वो इस घर पर से ध्यान हटाकर दूसरे हॉन्टेड घरों के इंस्पेक्शन में चले गए। वक्त बीतता गया और 1939 में एक नया आदमी इस घर में रहने लगा। एक दिन अचानक इस घर के एक रूम में आग लग गई और आपको यकीन नहीं होगा कि राख के अंदर से हड्डियां पाई गई। वो हड्डियां उस नन की थी कि नहीं या किसी और की, ये कोई नहीं जान सका। उसके बाद उस घर के रूम को रिकंस्ट्रक्ट कर दिया गया, मतलब जो छोटा रूम जल गया था उस जगह नया रूम बनवा दिया गया और उन हड्डियों को अच्छे तरह से बरी कर दिया गया। मतलब दूर के एक बड़े कब्रिस्तान में प्रॉपर बरियल कर दिया गया ताकि उस नन की आत्मा को शांति मिले। उसके बाद आप मानो या ना मानो इस घर में भूतिया घटनाएं रुक गई और सब कुछ नॉर्मल हो गया। पर कुछ सालों बाद फिर जो फैमिलीज आई उसे एक नन तो परेशान नहीं कर रही थी, पर और कई तरह के स्पिरिट्स की घटनाएं उन नए परिवारों ने रिपोर्ट किया। इसलिए इन्वेस्टिगेटर्स का तो यही मानना है कि यहाँ एक नहीं बहुत सारे आत्माएं रहती है और ये घर आज भी हॉन्टेड है। नंबर 2, मोंटे क्रिस्टो होमस्टेड हाउस, ऑस्ट्रेलिया। ये पूरे ऑस्ट्रेलिया देश की सबसे हॉन्टेड घर है और इस घर में अजीब हैपनिंग्स तब से होती आ रही है जब से ये बना था। इस घर को 1885 में बनाया गया था और तभी से इसमें हॉन्टेड एक्टिविटीज होती आई है। क्रॉले परिवार इस घर में रहने वाला सबसे पहला परिवार था और इन्होंने बहुत वियर्ड हैपनिंग्स को अनुभव किया था।
इनके घर में एक नौकरानी काम करती थी। एक दिन अचानक वो सीढ़ी पर से फिसल गई थी, पर उसका ये कहना था कि वो फिसली नहीं थी बल्कि उसे किसी अदृश्य शक्ति ने ढकेला था। पर क्रॉले फैमिली को लगा कि ये बढ़ा चढ़ाकर बोल रही है, पैर फिसल गया होगा इसका। इस घटना पर किसी ने उतना ध्यान नहीं दिया, पर जब वो ठीक होने के बाद वो फिर से काम करना शुरू कर दी, तब फिर से वो सीढ़ी के उसी जगह से गिर गई। पर इस बार उस नौकरानी ने पूरे दावे के साथ कहा कि सीढ़ी से वो गिरी नहीं थी, पर उसे कोई अननोन फोर्स बार बार ढकेल दे रहा था। उसके बाद जब वो नॉर्मल होकर काम करने आई तो एक बार फिर से वो सीढ़ी के उसी जगह से गिरी, पर इस बार वो इतनी जोर से गिरी कि अनफॉर्चुनेटली गहरी चोट के चलते उसी समय उसकी मौत हो गई। उस घटना के बाद जब एक दूसरी मेड काम करने आई तो बालकनी से गिरने के चलते उसकी भी मौत हो गई। उसका एक बेटा था हैरोल्ड, उसका कोई परिवार नहीं था, सिर्फ उसके मदर के बदले और उसका कोई नहीं था जिसकी अब मौत हो चुकी थी। तो फिर घर वालों ने इंसानियत के नाते उसके बेटे को रख लिया, पर एक एक्सीडेंट के चलते उसकी दिमागी हालत बिगड़ गई और वो मेंटली पागल हो गया और उसे घर के पीछे एक छोटे रूम में बांध कर रख दिया गया। घर वालों ने ये तय किया कि अगर कुछ दिनों में ये ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हुआ तो इसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जाएगा। वो लड़का हर रात को किसी उल्फ जैसी आवाजें निकालता था और लोकल लोगों को ये लगता था कि घर के पीछे किसी मॉन्स्टर को रखा गया है। बाद में ठीक न होने के चलते उसे एक मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया गया और मेंटल हॉस्पिटल में जाने के कुछ दिनों बाद ही उसकी मौत हो गई। पर अजीब बात यह है कि आज के समय में भी हर रात भेड़िए जैसी आवाज लोकल लोगों को सुनाई देती है। और ये अजीब चीजें सिर्फ तभी तक नहीं चली जब तक क्रॉली फैमिली इस घर में थी, उसके बाद भी कई दूसरे परिवार इस घर में रहने आए। क्रॉली ने इस घर को कम दाम में एक दूसरे फैमिली को बेच दिया था और वजह वही थी, रात को घर के पीछे से आने वाली भेड़िए की आवाज जो कि उस पागल लड़के के मरने के बाद भी आती थी। 1948 में जब एक नया परिवार इस घर में आया, आने के कुछ दिनों बाद ही उस परिवार के साथ अजीब घटनाएं होनी शुरू हो गई। आवाजें सुनाई देना तो कॉमन बात हो गई थी, पर हद तब हो गई जब एक दिन उस परिवार का एक सदस्य मरा हुआ मिला और उसे किसने मारा आज तक कोई नहीं जान सका। उसके बाद जो फैमिलीज आई उन्होंने भी कई तरह के परछाइयों को देखा, सभी ने घरों के अंदर लाइट्स और अदृश्य ताकतों को महसूस किया। बाद में जितने फैमिलीज आईं, वो इस घर की इतिहास सुनते ही इस घर को छोड़ देती थी। जो भी इस घर में जाता वो कुछ ही दिनों में इस घर को छोड़कर चला जाता। और आज की बात करें तो आज इसमें कोई रहता तो नहीं, पर ये घर आज भी ठीक उसी जगह पर खड़ा है। नंबर 1, हॉन्टेड विकारेज, बॉर्गवेटनेट, स्वीडन। स्वीडन में एक गांव है जिसका नाम है बॉर्गवेटनेट और इसी गांव में एक घर है जो कि पूरे स्वीडन देश की सबसे हॉन्टेड घर है। ये घर साल 1876 में बना था और इस जगह सबसे पहली भूतिया घटना साल 1927 में हुई थी, जब इस घर में रहने वाले लोगों ने कई अजीब घटनाओं को शेयर किया जिसमें से एक रिपोर्ट बहुत ही ज्यादा डरावनी थी। एक निवासी एक समय अपने कपड़ों को अलमारी में रख रहा था, तभी अचानक एक कपड़ा अपने आप ही फट गया, वो भी उनके आंखों के सामने। उन्हें पहले मोमेंट में ही शक हो गया था कि इसे कोई अदृश्य ताकत ही कर रही है। 1930 में इस घर में एक प्रीस्ट रहता था और उन्होंने एक रात एक औरत को देखा था जो कि ग्रे कलर की कपड़े पहनी हुई थी। वो लड़की उनसे दूर जा रही थी पर अचानक से उनके आंखों के सामने ही वो गायब हो गई। 1940 के समय में एक कपल इस घर में रहने आया और उन्होंने भी कई अनएक्सप्लेनेबल चीजों को अनुभव किया। इन्हें अपने कमरों में चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती थी और कमरे का सामान अपने आप ही हिलने लगता था। इस घर में इन कपल्स के बदले और कोई भी नहीं रहता था, पर एक सुबह उठकर इन्होंने ये देखा कि अलमारी रूम के एक कोने से दूसरे कोने में चली गई है और उसके अंदर के सारे कपड़े फटे हुए हैं। उस कपल से मिलने एक बार एक गेस्ट आई थी। रात को वो गेस्ट रूम में सो रही थी, तभी रात को 2:30 बजे के करीब उसकी नींद टूटी और उसने देखा कि 3 चुड़ैल जैसी दिखने वाली फिगर्स उस औरत के तरफ देख रही थी। तुरंत उसने लैंप जलाया, तब भी वो 3 फिगर्स इस औरत को देख ही रही थी। उसने चिल्लाने की कोशिश की पर उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, पर कुछ सेकंड्स बाद ही पलक झपकाते ही वो 3 फिगर्स गायब हो गई थी और उसकी आवाज भी नॉर्मल हो गई। ऐसी अजीब घटनाएं इस घर में होती थी। 1945 के समय में एरिक नाम का एक व्यक्ति उस घर में अपने एक्सपीरियंसेस को एक जर्नल मतलब अपने डायरी में लिखने आया कि इस घर में आखिर है क्या।
उसने ये अनुभव किया कि जिस चेयर पर बैठकर वो अपने अनुभव लिख रहा था उसी चेयर को किसी ने पीछे से ढकेल दिया और वो मुंह के बल नीचे गिर गया। पर उस घर में तो वो उस समय अकेला था, तो आखिर चेयर को किसने ठेला था। उस घटना के बाद वो तुरंत उस घर से भाग गया और फिर उसने कभी उस घर में जाने का सोचा भी नहीं। आज के समय में उसमें कोई नहीं रहता, पर जिसके नाम वो घर है वो उस घर को एक पब्लिक गेस्ट हाउस के रूप में बदल दिया है। हालांकि कुछ ही लोग इस घर में एडवेंचर के लिए रात में रुकते हैं, पर बाहर से इसे देखने के लिए कई लोग जाते हैं। और जो इस घर में एक रात रुकने की हिम्मत करता है और एक पूरी रात स्पेंड करता है उसे एक ओवरनाइट स्टे सर्टिफिकेट भी मिलता है। तो अगर साइंस के नजर से इन घटनाओं को एनालाइज करें तो ये केसेस आज भी अनसॉल्व्ड और अनएक्सप्लेनेबल हैं। इत्तेफाक एक बार होता है, बार बार नहीं। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स कई तरह के साइंटिफिक टूल्स यूज करते हैं, जैसे EVP, EMF मीटर, मोशन सेंसर, 3D मैपिंग कैमरा, डिजिटल थर्मोमीटर, थर्मल कैमरा और भी बहुत कुछ। मतलब ये है साइंस ऑफ घोस्ट्स, टूल्स टू डिटेक्ट एंटिटीज। इसलिए हमें भूत और आत्माओं को नेगलेक्ट करने के बदले, नकार देने के बदले इन्हें एक साइंटिफिक तरीके से समझने की कोशिश करनी चाहिए। टेक्नोलॉजी, साइंस और रोबोट्स की इस दुनिया में आज भी ऐसी कई पैरानॉर्मल चीजें हैं जो कि विज्ञान के परे है। अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो नीचे कमेंट करना मत भूलना, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना और शेयर जरूर कर देना। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को तो भूलना ही मत, उसे जरूर दबा देना।